इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। माहौल थोड़ा सा सर्द पड़ गया है और आज के हालात कुछ ऐसे है कि आज डोनाल्ड ट्रंप चाचा और चाचा को हमारे मोदी साहब बहुत कुछ चीजें दिखा रहे हैं सुबह से। चाचा को उन्होंने पहले कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पर
आप खड़े जाओगे। भाई और बहनों, आप सभी जान ले कि जब ये कागज की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड नहीं चलेगा, बैंक का खाता नहीं चलेगा, कोई आपका मामूली सा कागज नहीं चलेगा, इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। जरा टेक्निकल बात समझिए कि जिनकी पैदाइश 1990 के आगे हुई है उनके बर्थ सर्टिफिकेट शायद मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश अस्पतालों में हुई है, पर उसके पहले जो पैदाइश है वो तो घर पर अक्सर डिलीवरीज होती थी। कहां से हम बर्थ सर्टिफिकेट लाते? जो लोग हमें बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कल को अगर हम मोदी जी को भी कहेंगे ना कि मोदी जी हमारा छोड़िए, खैर छोड़िए कि आपने अपनी डिग्री के भी कागजात नहीं दिखाए, मोदी जी बात अगर बर्थ सर्टिफिकेट की हो रही है ना तो हम जरूर दिखाएंगे, पर तनिक पहले अपनी अम्मा का तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। दिखाएंगे हम, वो एनपीआर 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, वो सीएम अब्राहम साहब का भाषण सुनने के लिए हमारे छोटे भाई रविराज आए हैं, बड़े कायल है साहब आपके भाषण के। वो आप क्या कह रहे थे कि चुच्चा का बेटा है अपने, वो अपने चुच्चा के बेटे के जितने भी नुमाइंदे आएंगे ना कागज मांगने के लिए, हम तहजीब वाले लोग हैं, हम तहजीब से पेश आएंगे, हम उन्हें बिल्कुल घर में बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, चाय कॉफी सब पूछेंगे। अगर कोई बंदा कहे कि भैया जरा बिरयानी की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो बिरयानी भी खिलाएंगे, पर जब वो हमें कागज मांगेंगे ना तो हम उन्हें बड़ी शांति से कहेंगे, पूछेंगे और पूछने के लिए तैयार रहेंगे कि हम आपको कागज दिखाने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले हमें वो कागज जरा दिखाइए जिस कागज के जरिए हमारे पासबुक में हर साल 15 लाख रुपए आने वाले थे हमारे। दिखाइए हमें वो कागज कहाँ पर है, हमें दिखाइए जरा कि हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की बात आपने हमसे की थी, वो रोजगार हमारे कहां पर है, वो हमें जरा दिखाइए। और अगर ये सारे कागजात आप हमें नहीं दिखा सकते हैं ना तो जरा हमारे शोर ऐप में क्या क्या चीजें पड़ी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा उसूल है पहले बात फिर मुलाकात, जरूरत पड़ी तो हम आगे भी जाएंगे। हम बहुत बहुत शांति से पेश आ रहे हैं। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस की बात हुई, हाँ हम सिविल डिसोबीडियंस के लिए तैयार हैं। हम भी देखेंगे कि सरकार की बंदूकों में गोलियां कितनी है, वो कह रहे हैं ना कि बंदूक गोली मारो सालों को। हम देखेंगे कि आपके जेल में कितनी संख्या समा सकती है, हम देखना चाहते हैं कि आप कितने जेल भर सकते हैं, हम तैयार हैं उन सारी चीजों के लिए। पर भाई और बहनों, इन सभी के साथ और एक चीज ध्यान में रखिए कि जो लोग आपको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम अगर वो ऐसे करेंगे तो उनकी लड़ाई आसान हो रही है। मैं गैर मुसलमान हूँ, कुछ लोग मुझे गुलमर्गा के बाद ट्रोल करके मेरे ट्विटर और फेसबुक के इनबॉक्स में लिख रहे हैं कि अकेली घूमती हो, मुसलमान नहीं हो, तुम्हें क्या पड़ी है, क्यों इस सारे झमेले में पड़ी हो। देख लेंगे, इस प्लेटफॉर्म से हमें उन सारे लावारिस भक्तों को बताना पड़ेगा जो 80 पैसे के हिसाब से मैसेज स्प्रेड करते हैं, वो सारे लावारिस भक्त सुने कि झुंड में अक्सर भेड़िए आते हैं, शेर अकेले निकला करते हैं। आप हमें जितना डराने की
कोशिश करें, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि भारत की आजादी के आंदोलन के बाद सबसे बड़ी मिसाल कायम करने वाला शाहीन बाग का आंदोलन अगर इस देश के हमारे बहनों ने चलाया है, तो उस आंदोलन की पूरी पूरी गरिमा रखने की जिम्मेदारी इस भारत के हर एक माँ सावित्री और माँ फातिमा के बेटियों की है, और वो जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। जो लावारिस भक्त कह रहे हैं कि आप तो मुसलमान नहीं हो, आप किस लिए परेशान हो, तो हम आप सभी को यह बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान तो बहुत बाद में आहत होंगे, मुसलमान से पहले जो आहत होंगे वो होंगे ट्राइब्स, यानी कि हम ट्राइब्स हैं, हम नोमैड हैं। ये नोमैड क्या है? ये नोमैड छप्पर बंदा है, सिक्कलगार है, दरवेशी है, बंदर का खेल दिखाने वाले हैं, ये हर तरह के गाने भी है, घिसारी है, पारदी है, कैकारी है, गोंदली है, बराड़ी है, जोशी है, सिक्कल, ये सारे तरह के नोमैड। हमारे पास कागज नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब हम इस देश से अपना ताल्लुकात नहीं रखते हैं? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम इस देश में नहीं रहते? इस देश की आजादी के लिए खून गिराने वाले हमारे बाप दादा थे, आदिवासियों के राजा राजा उमाजी नाइक से लेकर बिरसा मुंडा, तंटिया भिल्ल, ये सारे नुमाइज की जो लोग थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया। मिस्टर मोदी, मिस्टर शाह, आपने एक तो उदाहरण बताइए कि आपके बाप दादाओं में से किसी ने खून गिराया, किसी ने एक बूंद भी गिराई थी जो आप हमें बोल रहे हो? आप बड़े सारे बोल रहे हो कि ये नाम बदलेंगे, वो नाम बदलेंगे, इस शहर का नाम बदलना है, उसका नाम बदलना रहा है, कहीं भी मुसलमान इस शब्द की बू नहीं आनी चाहिए। मियां अमित जी, पहले अपना सरनेम शाह तो बदल लीजिए। ये सारे लोग मुद्दे को डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और डायवर्ट किस बात के लिए कर रहे हैं कि आप उन्हें पिछले 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड न पूछे, आप उन्हें ये न पूछे कि मिस्टर मोदी उन वादों का क्या हुआ, उन इरादों का क्या हुआ जो वादे आपने बड़े बड़े किए थे। मुझे पता है आप कागज लेकर आने वाले थे, वो बड़े तत्पर रहते हैं कागज दिखाने में। मोदी जो हमारे लिए वादे और इरादे लेकर आए थे और कह रहे थे कि हमारे लिए वो अच्छे दिन लाने वाले थे, वो अच्छे दिन हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। हम लोग उनसे सवाल न पूछे, इसलिए वो हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कागजों में उलझा कर रखने की उनकी यह मंशा है। वो हर बार मुद्दों को डाइवर्ट करते जाते हैं, जैसे कभी उन्होंने कहा कि 15 लाख के हम आपके खाते में देंगे, जब लोग पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे, भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस साल दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए गए। भाई और बहनों, इस साल दीपावली के अवसर पर अयोध्या में 3 लाख दिए जलाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक साल में 3 लाख दिए तो 5 साल में कितने दिए? 15 लाख तो दिए कि नहीं? कहाँ का मुद्दा कहाँ लेके जा रहे हैं, और हमारी समझ के परे है। हम उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपसे बस ये गुजारिश करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जो लोग हमें घुसपैठी करार दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को और उनके वो सारे जो भौ भौ करने वाला जो उनका मीडिया है, ये जो संबित पात्रा जैसे जैसे भौ भौ करने वाले जो लोग हैं, इन लोगों को हमें जरा पूछना पड़ेगा कि घुसपैठी या करार जो हमें दे रहे हो और मीडिया में बड़ी बड़ी सुर्खियां दिखा रहे हो, कभी ये भी सुर्खियां वो मीडिया दिखाए कि शाहीन बाग के आंदोलन में बुर्का पहनकर घुसपैठिया बनकर आई गुंजा कपूर को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? आप हमारे में घुस के आते
करते हो और हमें ब्लेम करते हो कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग से कौन है ये मोदी शाहजी, जरा खुद के गिरेबान में छाप के देखिए। और आप सब ये सारी चीजें तय कर ले भाइयों कि वो चाहे कितना भी जोर लगाए, वो चाहे आपको कितना भी डाइवर्ट करने की कोशिश करे, वो जितनी बार आपको कागज मांगेंगे आप उतनी बार पूछते जाएंगे कि इस देश के ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या हुआ। जो ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स उन्होंने 10% तक बढ़ाने की बात की थी, आज की तारीख में जो 3.75% पर आकर रुका है, उस स्ट्राइक रेट के बारे में मिस्टर रंगा और मिस्टर बिल्ला की क्या राय है कि हम बार बार पूछते रहेंगे। वो कितना भी हमारे मुद्दे डाइवर्ट करते रहे पर हम इस देश के विकास की बात उनको पूछते रहेंगे। आप हमें जाति और धर्म में बांटने की कोशिश करो, हम बटेंगे नहीं, हम डट कर लड़ेंगे। और इस देश का जो अर्थव्यवस्था आप ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हो, हम वो नहीं होने देंगे, ना इस देश की यूनिटी टूटने देंगे। मोदी जी, आपने सिर्फ वादा किया था कि आप चाय बेचने वाले हैं और आपने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमें कहां पता था कि आपने ब्रैकेट में कुछ और लिखा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस मल्या मोदी और चौकसी के यहाँ को पार्सल करके भिजवा दूंगा। हमें नहीं पता था ये सब। आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे। और कितना भी मुद्दा डाइवर्ट करते जाओ, हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ गोडसे का पुतला नहीं दिखा रहे हो, आप उसे संघ का कार्यालय नहीं दिखा रहे हो, आप उन्हें गांधी का साबरमती आश्रम दिखा रहे हो। मोदी, आपकी यह मजबूरी है कि आपकी आइडियोलॉजी आप उसे पहचान के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं ले जा सकते, यह आपकी मजबूरी है। हम आपको आपकी मजबूरी बार बार याद दिलाते जाएंगे और कितना भी डाइवर्ट कर ले मोदी, फिर भी हम मोदी को बताते जाएंगे कि मोदी जी, बेशक आपने चाय बेची होगी पर देश बेचने की बात नहीं हुई थी। आप अगर देश बेचने की बात करोगे तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप एयर इंडिया, रेलवे, LIC, आप हर तरह के अगर एक एक अगर झोन अगर बेचते जाओगे तो हमें थोड़ा मोदी जी आपको याद दिलाना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आप चौकीदार थे और चौकीदारी भी आपने ठीक से नहीं निभाई है। भाई, बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है, बहुत सारे लोग बात करने वाले हैं, मैं इतने सारे वक्तागण और आपके बीच नहीं रुकूंगी। हाँ, सभी का स्नेह पर्याप्त है मेरे लिए, लेकिन बहुत और वक्तागण है। हम बस एक जोर का नारा लगाएंगे, अगर ये मीडिया सोशल मीडिया ही हो लेकिन कम से कम इतनी तो हमारी आवाज बुलंद कर ले और पूरे भारत के सामने रखे कि हमारे साथ मोदी ने तय क्या किया था और कर क्या रहे हैं। हम आपसे नारा चाहेंगे, हम कहेंगे मोदी जी तुम चाय बेचो, आप कहेंगे देश नहीं, देश नहीं, एक साथ नारा लगाएंगे सब, अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे मोदी तुम चाय बेचो, अरे गरमा गरम चाय बेचो, अरे कनक की रानी चाय बेचो, अरे कटीन कटीन चाय बेचो, अरे तड़ीपार गुंडे चाय बेचो,
इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। थैंक यू।